गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम अगेन योर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स ओपन योर मैथ कोर्स बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर मैथ कोर्स बुक वॉल्यूम 1 क्लास 2। ओपन की सबने अपनी कोर्स बुक, लुक हियर। आपको कौन सी बुक ओपन करनी है? कोर्स बुक क्लास 2 वॉल्यूम 1। स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या अंडरस्टूड करवाया था, यहाँ देखिए लेट्स ट्राई 3 में पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये मैंने आपको होम असाइनमेंट में दिया था, आप आंसर फाइंड आउट करेंगे कि आपका आंसर राइट है क्या। सी वाला मैंने आपको अंडरस्टूड करवाया था, आपको होम पे करने के लिए दिया था, आपने कंप्लीट किया तो टोटल उसके पास कितनी टॉयज कार हो गई थी? 87। अब लेट्स फाइंड आउट पे आ जाएंगे। पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ओपन किया सबने कोर्स बुक। लेट्स फाइंड आउट एडिंग टेंस एंड वंस। एग्जाम्पल 1, फॉर ए पेरेंट टीचर मीटिंग 21 पेरेंट्स कैम इन द मॉर्निंग एंड 32 कैम इन द आफ्टरनून। जो टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, ओके, तो उसमें 21 पेरेंट्स तो कम मॉर्निंग में आए एंड 32 कम इन आफ्टरनून। हाउ मेनी पेरेंट्स कैम इन ऑल, तो टोटल पेरेंट्स कितने आए? ओके, 21 तो मॉर्निंग में आए, देन 32 कम इन द आफ्टरनून, तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी, तो उसके लिए क्या होगा? एडिशन। नाउ लेट अस ऐड 21 एंड 32। स्टेप 1, यहाँ देखिए यहाँ वंस कॉलम है और टेंस मैंने आपको अंडरस्टूड करवाया था, तो सबसे पहले हमें वंस के कॉलम में राइट करना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कितने पेरेंट्स आए थे? 21, तो 21 को हमने कैसे राइट किया है? 1 वंस की कॉलम में और 2 टेंस की कॉलम में, ओके। देन 32 पेरेंट्स आफ्टरनून में आए, तो हमने देखो 32 को कैसे राइट किया है, पहले हम फर्स्ट वंस की कॉलम में फर्स्ट राइट करते हैं, देन हम सेकंड किस में राइट करते हैं? टेंस की कॉलम में। तो 3 2 32 हमने कैसे राइट किया हुआ है? 2 को हमने वंस में राइट किया है और 3 को हमने टेंस में राइट किया है। अब इसका हम एडिशन करेंगे, तो 2 प्लस 1, तो देखो मैंने फिंगर भी आपको बताया था, तो यहाँ देखिए 2 है, 2 में 1 प्लस किया तो कितने हो गए? 3, ओके। अब यहाँ पे ऊपर 2 है, टेंस की कॉलम, वंस की कॉलम को सबसे पहले ऐड करना है, देन टेंस को ऐड करना है, ओके। तो हमने वंस की कॉलम को ऐड कर लिया है, अब टेंस में क्या राइट किया हुआ है? 2 एंड 3, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 3 कितने हो गए? 5, तो टोटल आंसर कितने हो गए? 53, तो टोटल पेरेंट्स कितने आए? 53। एग्जाम्पल 2 देखेंगे, 8 15 31 एंड 52। स्टेप 1, राइट द नंबर्स वन बिलो द अदर एज शोन। यहाँ देखिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 डिजिट है, अब यहाँ पे 1 2 3 3 कॉलम है, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। यहाँ देखिए यहाँ वंस है और टेंस है, तो 3 सबसे पहले क्या है? 1 5 15, तो 1 5 15 को कैसे राइट किया हुआ है? वंस में 5 और टेंस में 1, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे किया है। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले हम किसको ऐड करते हैं? वंस की कॉलम को, देन टेंस की कॉलम को। मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, सबका ध्यान पहले ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल 2 में क्या राइट किया हुआ है? ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस। सबसे पहले राइट किया हुआ है 15, देन 3 1 31, तो हम 1 जैसे कि हम 31 ऐसे राइट करते हैं, सबसे पहले हमें वंस की कॉलम में राइट करना होता है, देन टेंस की कॉलम में। फिर उसके बाद दिखा है 52, 5 2 52, अब इनको क्या करना है? हमें ऐड करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले कितने हैं? 5 1 2 3 4 5, हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रो, मेरे फिंगर मेथड भी आपको अंडरस्टूड करवाया है, तो मैंने 5 लाइन ड्रो कर ली है, देन 1 इसमें 1 2, अब टोटल हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल कितना हो गया? 8। अब हमने पहले वंस को ऐड किया है, देन हम इसको ऐड करेंगे टेंस को, तो टेंस की कॉलम में सबसे पहले क्या है? 1, तो हम क्या राइट करेंगे? ओनली 1 कॉलम, देन 3, तो 1 2 3, आफ्टर 5 1 2 3 4 5, ओके लाइन ड्रॉ कर दी हमने, अब काउंट करेंगे
let's try four. Course book. Okay, course book open की सबने 98. Okay students, मैंने आपको example two भी अच्छे से understood करवा दिया है. पेज नंबर 10 ओपन करेंगे सब. लेट्स ट्राई 4 कोर्स बुक. ओके कोर्स बुक ओपन की सबने. यहाँ देखिए एड द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं उनको हमें क्या करना है, एड करना है. तो एड का साइन कौन सा होता है, ये देखिए प्लस का एडिशन. ओके पेज नंबर 10 ओपन किया सबने कोर्स बुक में. मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ, सबका ध्यान ब्लैक. ओके स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 ओपन किया सबने. यहाँ देखिए एड द फॉलोइंग लेट्स ट्राई 4. यहाँ देखिए लेट्स ट्राई 4 ए और बी में आपको अंडरस्टूड करवाऊंगी, देन बाकी के आपको कंप्लीट होम असाइनमेंट है. ओके तो सबसे पहले आप लोग अंडरस्टूड करेंगे. यहाँ देखिए ए वाले में क्या राइट किया हुआ है, वंस कॉलम में 24. तो 24 को हमने कैसे राइट किया है, 4 वंस की कॉलम में है और 2 टेंस की कॉलम में है. देन आफ्टर क्या है, 2 राइट किया हुआ है ओनली वंस की कॉलम में. तो अब इसे हम काउंटिंग करेंगे. मैं आपको अंडरस्टूड करवा रही हूँ, बाकी का वर्किंग आपको कंप्लीट करना है. तो पहले आप अंडरस्टूड करेंगे ब्लैक बोर्ड पे. सबसे पहले यहाँ पे क्या राइट किया हुआ है, 4. तो हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉ, 4 1 2 3 4 देन 2 1 2. अब यहाँ देखिए मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया है, तो मैं फिंगर के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ. सबसे पहले यहाँ पे कितना है, 4. तो हाउ मेनी फिंगर्स, 1 2 3 4. ओके 4 हो गई है, अब हमें 2 और करनी है. तो 1 एंड 2 तो टोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 आंसर इज 6. अब देन 2 है तो 2 को हम डाउन कर लेंगे. ओके क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दिया गया है तो हम 2 को वैसे का वैसे ही डाउन कर लेंगे. ए वाला मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है. अब यहाँ देखिए बी वाले में स्टूडेंट्स वंस की कॉलम में 5 4 3 है और टेंस की कॉलम में ओनली 4 है. तो वैसे ही काउंटिंग करेंगे, हाउ मेनी लाइन्स आर ड्रॉ, 5 1 2 3 4 5 देन 3 1 2 3 लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर इज 8. देन यहाँ पे ओनली 4 है तो 4 को हम वैसे का वैसे ही डाउन कर लेंगे. तो आंसर क्या हो गया, 4 8 48. ए और बी मैंने आपको अंडरस्टूड करवा दिया है. स्टूडेंट्स टुडेज योर होम असाइनमेंट इज, सबका ध्यान बुक में होना चाहिए कोर्स बुक. यहाँ देखिए टुडेज योर होम असाइनमेंट इज, मैंने ए और बी आपको अंडरस्टूड करवा दिया है. अब यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ जी एच, ये वर्किंग आपको होम पे करना है. ओके किसमें करना है, कोर्स बुक में. आपको ये वर्किंग ओनली बुक में ही करना है, कोर्स बुक में, नोटबुक में नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 लेट्स ट्राई 4. टुडेज योर होम असाइनमेंट इज सी डी ई एफ जी एच पेज नंबर 10 लेट्स ट्राई 4 इन द कोर्स बुक. ओके स्टूडेंट्स.